ओसिया विधायक दिव्या मदेना ओसिया और तिवरी क्षेत्र की कई पंचायतों में अपनी जीत का आभार जताने के लिए पहुंची। इस दौरान खेतासर गांव में आयोजित धन्यवाद सभा में यहां की महिला सरपंच चंदू देवी लेगा भी स्वागत करने पहुंची। उन्हें दिव्या मदेना ने अपने पास मंच पर बैठने से रोकते हुए कुर्सी से उठाकर कहा कि सामने दर्शकों के साथ बैठिए। इसके बाद सरपंच चुपचाप वहां से उठकर पांडाल में बैठ गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस विवाद पर सरपंच का कहना था कि पंचायत की जनता की ओर से गांव की प्रथम नागरिक होने के कारण मेरे लिए कुर्सी लगाई गई थी। ग्रामीणों के कहने पर ही मेरी पंचायत में पहली बार विधायक के मीटिंग में पंचायत की तरफ से स्वागत करने पहुंची थी, मगर विधायक मदेना ने एक महिला जनप्रतिनिधि होते हुए भी मेरा अपमान कर बराबर नहीं बैठने दिया। धन्यवाद सभा में खेतासर सरपंच चंदू देवी लेगा का जिस प्रकार से अपमान पूर्वक मंच से नीचे उतारा गया है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर हमें बहुत ही शर्म आ रही है कि एक महिला ही एक महिला का इस तरह से अपमान करेगी तो हमारे देश का क्या होगा। धन्यवाद। पंच हो चाहे प्रधान हो चाहे विधायक हो, सांसद, उनको जीतने के बाद में सभी जनता को साथ में लेकर काम करना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए, क्योंकि वे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं। अगर इस तरह से एक महिला विधायक या एक महिला सरपंच का अपमान इसलिए करते हैं कि उनका पति भाजपा समर्थित है, पूरे देश के लिए आने वाले भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। जनप्रतिनिधि को जीतने के बाद में क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में ध्यान देना चाहिए, न कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। इस प्रकार की जब एक महिला सरपंच को मंच पर बैठने से नीचा उतारते हैं तो इस प्रकार की ये अच्छी शोभा नहीं देती है। गाँव का प्रथम मुखिया सरपंच होता है, इस प्रकार की घटना शर्मनाक एवं निंदनीय है।